नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये खूबसूरत सा पैटर्न लाई हूँ, जिसे आप कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, टॉप में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 15 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 4 फंदा एक्स्ट्रा, यानी हम 15-15 फंदे ऐसे गिने तो लास्ट में हमारे पास 4 फंदे बचने चाहिए। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। यहाँ पे आपको प्रतिदिन एक नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम डिज़ाइन बनाते हैं। पहला फंदा एस स्टिच है, इसे सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे, फिर 2 फंदा उल्टा और फिर 13 फंदा सीधा। ये हमारा पहला लाइन है, और बॉर्डर बनाने के बाद हमें ऐसे ही बुनना है। पहला फंदा एस स्टिच है, इसे सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे, फिर 2 फंदा उल्टा और फिर 13 फंदा सीधा। 13 फंदा सीधा बुनने के बाद फिर 2 फंदा उल्टा, ये फंदा एस स्टिच है, और इन्हें 13 फंदा और 2 फंदा ये, यानी 15 फंदा को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 2 फंदा उल्टा बुना तो अगला 13 फंदा सीधा, फिर 2 फंदा उल्टा और 13 फंदा सीधा। इसी तरह करते हुए हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। शुरुआत में हमने 1 फंदा सीधा और 2 फंदा उल्टा बुना है, तो लास्ट में भी 2 फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा आएगा। सेकेंड रो और बैक साइड, पहला फंदा एस स्टिच है, इसे उल्टा बुनेंगे या उतार लेंगे, फिर 2 फंदा सीधा और 13 फंदा उल्टा। सामने से हमने 13 फंदा सीधा बुना था तो पीछे से वो 13 फंदा उल्टा हो जाएगा। 13 फंदा उल्टा और 2 फंदा सीधा। तेरह फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, फिर 13 फंदा उल्टा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड रो और फ्रंट साइड, थर्ड रो फर्स्ट रो की तरह बनाया जाएगा, यानी पहला फंदा सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे, फिर 2 फंदा उल्टा और फिर 13 फंदा सीधा। इन्हीं 15 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, और फोर्थ रो में जहाँ सीधा दिखाई दे रहा है वहाँ सीधा और जहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है वहाँ उल्टा बुन लेंगे। इस तरह हम 4 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन का 5वां लाइन और सामने से, ये हमारा मेन लाइन है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, पहला फंदा एस स्टिच है और फिर 2 फंदों को उल्टा बुन लेंगे और फिर उन दूसरी तरफ करेंगे, और 4 फंदों को हम एक साथ लेंगे। पहले इसे थोड़ा ढीला कर लेंगे, फिर 4ों फंदों में एक साथ सिलाई डालेंगे। पहले चौथे फंदे से शुरू करेंगे और पहले फंदे पर निकालेंगे। 4 फंदों को हम एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और 5 फंदों को जाली देते हुए बनाएंगे। ये एक हो गया, फिर उन अपनी ओर करेंगे, ये दूसरा फंदा, फिर उन अपनी ओर, फिर तीसरा फंदा, फिर उन अपनी ओर, फिर ये चौथा फंदा, फिर उन अपनी ओर और ये 5वां फंदा। 4 फंदों का हमने सीधा बुनते हुए 4 फंदे को एक किया और 5 लगातार फंदों को जाली देते हुए सीधा बनाया, फिर उन अपनी ओर करेंगे, और ये लास्ट के 4 फंदे बचे हुए हैं तो 4ों में एक साथ सिलाई डालेंगे और इनको एक साथ लेकर एक सीधा फंदा बना लेंगे।
उन अपनी ओर किया है, इसलिए जाली देते हुए सीधा। अब फिर उन अपनी ओर करेंगे और इन दोनों फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब फिर से देखिएगा, उन दूसरी ओर करेंगे, चार फंदों को एक साथ लेंगे और चार फंदों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा बुनेंगे एक, फिर उन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा बुनेंगे दो, उन अपनी ओर तीन, चार और पांच। पांच लगातार फंदों को हमने जाली देते हुए सीधा बुना है और पहला फंद में चार फंदों को एक साथ लेते हुए यहाँ सीधा बुना है, उसके बाद पांच लगातार फंदों को प्रत्येक फंदे को जाली देते हुए सीधा बनाया है। फिर उन अपनी ओर करेंगे और लास्ट के ये चार फंदे बचे हैं उनको एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर दो फंदा उल्टा। फिर से देखिए, चार फंदों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए पहले उसको थोड़ा सा ढीला कर लेंगे ऐसे करके, और फिर चार फंदों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, चार का एक किया। फिर उन अपनी ओर करेंगे और अगला फंदा जाली देते हुए सीधा एक, फिर उन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा दो, फिर उन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा तीन, उन अपनी ओर करेंगे, जाली देते हुए सीधा चार, उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा पाँच। पाँच लगातार फंदों को हमने जाली देते हुए सीधा बुना है। फिर उन अपनी ओर करेंगे और ये चार फंदे सीधे हमको दिखाई दे रहे हैं, इन चारों फंदों को हमें एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेना है। दो फंदा उल्टा और ऐसे ही हमको बुनना है, दो फंदा उल्टा और 13 फंदों को हमें इस तरह बुनना है। शुरुआत में हमने चार फंदों को एक किया और लास्ट में हम चार फंदों को एक करेंगे, उसके बाद दो फंदा उल्टा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में दो फंदा उल्टा और आखिरी फंदा सीधा। सिक्स्थ रो और बैक साइड पहला फंदा एस स्टिच है, इसे उल्टा बुनेंगे या उतार लेंगे, फिर दो फंदा सीधा और फिर 13 फंदा उल्टा बुनेंगे। देखिए हमने यहाँ घटाया था, एक, ये दो हुआ, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह और 13, यानी यहाँ पे 13 फंदे वापस हो गए हैं और फिर दो फंदा सीधा, यानी दूसरे रो की तरह। पीछे से हमें हमेशा ऐसे ही बुनना है, दो फंदा सीधा, 13 फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा और 13 फंदा उल्टा। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड सातवां लाइन पहले लाइन की तरह होगा, यानी पहला फंदा एस स्टिच है, इसे सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे, दो फंदा उल्टा, फिर 13 फंदा सीधा, फिर दो फंदा उल्टा और 13 फंदा सीधा। एट्थ रो और रॉन्ग साइड पहला फंदा एस स्टिच है, उसे उल्टा बुनेंगे या उतार लेंगे, फिर दो फंदा सीधा और 13 फंदा उल्टा, यानी दूसरे लाइन की तरह। जितने भी इवन नंबर के सिलाई हैं वो सभी ऐसे ही बुने जाएंगे, यानी दो फंदा सीधा और 13 फंदा उल्टा। रॉन्ग साइड से सभी लाइन ऐसे ही बुना जाएगा।
नाइन्थ रो और फ्रंट साइड, नाइन्थ रो भी फर्स्ट रो की तरह होगा और टेंथ रो सेकंड रो की तरह बुना जाएगा। दो फंदा उल्टा, 13 फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा और 13 फंदा सीधा। 11th रो और फ्रंट साइड, अब इस लाइन में डिज़ाइन पड़ेगा। तो पहला फंदा स्टिच है, इसे सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे, फिर दो फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे, चार फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा बुनते हुए चार का सीधा बुनते हुए चार का एक कर लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और पांच लगातार फंदों को जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। दो, तीन, चार, पांच, फिर उन अपनी ओर करेंगे और इन चार फंदों को एक साथ लेंगे और चार का एक कर लेंगे सीधा बुनते हुए। फिर अगला दो फंदा उल्टा, फिर इन 13 फंदों में हम यही करेंगे, चार फंदों को एक साथ लेंगे, चार का एक कर लेंगे सीधा बुनते हुए, अगला फंदा उन अपनी ओर करेंगे और चार लगातार फंदों को, सॉरी पांच लगातार फंदों को जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। तीन, चार, पांच, फिर उन अपनी ओर करेंगे और इन चार फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए चार का एक कर देंगे। ऐसे ही हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनके तैयार है। 6 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं 6 लाइनों को दोहराते रहने से डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।